दोस्तों, क्या आप भी अपने YouTube सब्सक्राइबर्स हाइड करना चाह रहे हैं या हाइड है उसको अनहाइड करना चाह रहे हैं? तो आज की इस वीडियोस में मैं एक अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूं, जो YouTube की अपडेट्स आज ही अपडेट हुआ है। तो कौन सी अपडेट है और क्या हुआ है कि चैनल पर सब्सक्राइबर हाइड होगा या नहीं होगा, तो जो भी डिटेल्स है वो इसी वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। तो दोस्त, मैं सबसे पहले आपको दिखा दूंगा अपना स्मार्टफोन पर जा करके कि हाँ, वाकई में हाइड हो रहा है सब्सक्राइबर या नहीं हाइड हो रहा है। तो गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ कि सब्सक्राइबर्स हाइड होगा या नहीं हाइड होगा। जो भी अपडेट्स आई है वो मैं इसी वीडियोस में बताने वाला हूँ, और किस वजह से ये अपडेट लाई गई है वो भी बताने वाला हूँ। तो दोस्त, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने स्मार्टफोन पर। स्क्रीन जो मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने YouTube स्टूडियो एनेबल कर लिया है, यानी कि YouTube पर मैंने क्रोम ब्राउजर पर डेस्कटॉप मोड पर YouTube चैनल ओपन किया। एंड यहाँ पर कस्टमाइज पे जाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि सब्सक्राइबर्स हाइड हो रहा है या नहीं हाइड हो रहा है। तो वीडियो पर बने रहिएगा, मैं सीधा क्रोम पर विजिट कर लेता हूँ। और क्रोम पर विजिट करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कंटिन्यू टू स्टूडियो पे मैंने यहाँ पर प्रेस किया। तो कंटिन्यू टू स्टूडियो पे मैंने यहाँ से प्रेस कर दिया। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने को इस प्रकार का इंटरफेस आ गया है। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे सीधा सेटिंग्स पर। दोस्तों, सेटिंग्स पर प्रेस करना है। दोस्तों, यहाँ सेटिंग्स पर प्रेस कर दिया है। देन इसके बाद यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस आ जाते हैं देख सकते हैं आप लोग, कि जनरल एंड चैनल। तो चैनल पे दोस्तों जाएंगे तो यहाँ से हम लोग सब्सक्राइबर हाइड करते हैं। तो यहाँ पर चैनल पे जाते हैं एंड एडवांस सेटिंग पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर ये कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और यहीं पर होता है सब्सक्राइबर हाइड का बटन। दोस्तों, सब्सक्राइबर हाइड का यहाँ पर बटन कोई भी एनेबल नहीं है। आज से 2-3 दिन पहले यहाँ पर ये ऑप्शन था कि सब्सक्राइबर हाइड कर सकते हो, बट अब यहाँ पर सब्सक्राइबर हाइड का कोई भी ऑप्शंस नहीं दे रहा है। ये YouTube का बहुत तगड़ा ये अपडेट है, जो कि न्यू यूट्यूबर्स के लिए बहुत ज़्यादा गलत साबित हो रहा है, क्योंकि लोग सब्सक्राइबर हाइड करते हैं और वीडियोस बनाते हैं, तो वो लोग समझते हैं कि सब्सक्राइबर आएंगे क्योंकि हाइड हैं और वीडियो कंटेंट बेटर है। और मैं आपको बताऊं कि किस वजह से दोस्तों ये सब्सक्राइबर हाइड का ऑप्शन हटा दिया गया है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं डिटेल से। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि अगर आपके 500 सब्सक्राइबर्स हो जाते तब आपको कम्युनिटी टैब मिलेगा, ठीक है। और लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन भी, 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब आपको लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन मिल जाएगा। बट अब मैं आपको बताऊं क्या हो रहा है आजकल के समय में, कि कुछ लोग जो है सब्सक्राइबर हाइड कर लेते हैं एंड उसके बाद वो लोग अदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से लाइव स्ट्रीम करते हैं। तो इस चीज़ से यूट्यूब को पता नहीं लग पाता कि भाई आप लाइव स्ट्रीम कैसे कर रहे हैं। जब तक कि एनेबल नहीं हुआ तो लाइव स्ट्रीम आप कर रहे हैं, तो मतलब कि आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं तब आप लाइव स्ट्रीम कर पा रहे हैं। तो इसीलिए सब्सक्राइबर्स को उन्हें हाइड का ऑप्शन हटा दिया गया है। तो ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं, इसी वजह से इसको जो है हाइड ऑप्शन को हटाना पड़ा यूट्यूब को। और बहुत अच्छी बात है कि इसको हटा दिया है। एंड भाई, जो छोटे यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि मैं भी अपना सब्सक्राइबर हाइड करता हूँ, बट अब हाइड नहीं हो पाएगा, चाहे वो छोटा यूट्यूबर हो या बड़ा क्रिएटर हो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो तो अच्छा लगा होगा, बट ये अपडेट आपको कैसी लगी है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक अपनी कमेंट पुट करें कि और बताएं कि ये यूट्यूब की जो अपडेट है वो कैसी लगी है आपको। वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।